सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, जब बना हुआ आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें कुछ अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी सुविधा सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से अपना वोटर आईडी कार्ड जो है ऑनलाइन आप बना भी सकते हैं और उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कौन से स्टेप फॉलो करके हम ये काम कर सकते हैं। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम में चले जाएं या अपने एक्सप्लोरर से आप जो है यहाँ पे इस वेबसाइट में जाएं www.nvsp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 .nv
वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे चले जाते हैं तो फ्रेंड यहां पे देखिए बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं। ये देखिए यहां पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलती है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर ऑब्लिक ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम एसी। मीन्स टू से कि आपको जो है नया वोटर कार्ड अप्लाई करना है तो आप यहां पे क्लिक करें। अदरवाइज अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज वोटर मीन्स टू से कि अगर आप कहीं बाहर में हो चाहे एनआरआई हो यहां पे आप क्लिक करके वोटर कार्ड बना सकते हैं। डिलीशन और ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल रोल, अगर आपके इलेक्टोरल रोल में कुछ आप डिलीट करवाना चाहते हो या आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल है, उसके बाद ट्रांसपोजिशन विद इन असेंबली है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, और आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऑनलाइन वोटर कार्ड जो है नया कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म 6 जो है वो सामने आ जाता है। ये देखिए ये फॉर्म 6 जो है आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लैंग्वेज दी हुई है, यहाँ पे हिंदी ले सकते हो आप, इंग्लिश ले सकते हो, मलयालम ले सकते हो, और ये तीन लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है। तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, चलिए मैं अभी इंग्लिश ले लेता हूँ। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म 6 खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए एक तरह का एप्लीकेशन है टू द इलेक्ट्रोल रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है। तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पंजाब। जैसे हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपको जो है डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो दे देना है। तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद असेंबली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी आपने अपनी जो है असेंबली देनी है। जैसे मेरी यहाँ पे असेंबली मुकेरियाँ है तो मैं मुकेरियाँ भर देता हूँ। आप अपना जो है एज पर योर कंस्टिट्यूएंसी जो भी आपकी असेंबली है आप यहाँ पे भरें। आई रिक्वेस्ट दैट माई नेम बी इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रल रोल फॉर द अबव कंस्टिट्यूएंसी। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप एज ए फर्स्ट टाइम वोटर हो या ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंस्टिट्यूएंसी जो है आप यहाँ पे आ रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो यहाँ पे इसको टिक रहने दें, अदरवाइज आप जो है कहीं दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं, आपने एड्रेस चेंज किया है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं जो है यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एज ए फर्स्ट टाइम वोटर, सॉरी। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स देने हैं। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है रेड वाला, वो फील्ड यहाँ पे मैंडेटरी होता है। तो नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट में आप जैसे अपने फादर का या कोई फैमिली मेम्बर का नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने दे दिया। टाइप ऑफ रिलेशन आपको वहाँ पे देना है कि मेरे फादर हैं या कैन है, आप जैसे फादर दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलम जो आता है वो आता है कि एज एज ऑन 1st January ऑफ करंट कैलेंडर ईयर, 1st January 2018 में आपकी कितनी एज थी वो आपको यहाँ पे देनी होती है 7 months। उसके बाद आपसे जो है डेट ऑफ बर्थ इन DDMMYY फॉर्मेट में देना है। मीन्स सबसे पहले आपने डेट देना है, फिर मंथ देना है, फिर ईयर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं डेट पहले,
है जेंडर ऑफ एप्लीकेंट्स, आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करें, इफ यू आर मेल देन सिलेक्ट हियर मेल, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट यहाँ फीमेल। उसके बाद आपका करंट एड्रेस आपसे पूछा जाता है। तो परमानेंट एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट्स अगर आपको लगता है सेम एज अबव है तो यहाँ पे सेम एज अबव के ऊपर आप क्लिक। फैमिली ऑब्लिक नेबर्स एपिक नंबर ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं पता तो मैं छोड़ देता हूँ इसको बाहर। उसके बाद यहाँ पे आता है डिसेबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब आपको कम दिखाई देता है, स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी आपको सुनाई नहीं देता, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो भी है वो आप लिखें, अदरवाइज नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, तो चलो ये ऑप्शन है तो यहाँ पे देने की हमें ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो जैसे आप मोबाइल नंबर डाल लेते हैं तो उसके बाद आपसे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूछता है, जिसके अंदर आपको जो है फोटोग्राफ्स और एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको डालना होता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले जब आप फोटोग्राफ डालते हैं या कोई भी यहाँ पे प्रूफ डालते हैं तो वो .jpg में होना चाहिए या .png में होना चाहिए या .bmp में और .jpeg में होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दूसरा जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ हुआ है आपको डाल के दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे फोटोग्राफ डालेंगे तो मैं यहाँ पे आपको फोटो एक ले लेता हूँ राइट। उसके बाद आपको एज प्रूफ में आपका 10th का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 10th का सर्टिफिकेट लगा देता हूँ, तो आप भी अपना डॉक्यूमेंट जो 10th का है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, यहाँ पे बर्थ है, ये देखिए यहाँ पे जैसे मार्कशीट दे रखा है तो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम मार्कशीट लेंगे, तो चलिए हम 10th की मार्कशीट ले लेते हैं, और 10+2 की भी है वैसे आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप 10th की लगाएं, मार्कशीट ऑफ 10th कर दें इसको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना है, देखिए डिक्लेरेशन है विलेज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ विलेज यहाँ पे आपको डाल दो, उसके बाद स्टेट यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद रेजिडेंस, आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंस एट द एड्रेस गिवन एट अबव, कब से आप जो है इस रेजिडेंस पे रह रहे हैं, तो आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे सकते हैं, तो जब से आप पैदा हुए इसी एड्रेस पे हैं, तो मैं डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, जब से हम पैदा हुए तब से इसी एड्रेस में रह रहे हैं राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्लेस और डेट, प्लेस आप डाल दो अपने अकाउंट का नाम और यहाँ पे डेट आज का हो जाएगा राइट, और उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्शन आ गए हैं, फर्स्ट यहाँ पे आ गया है मार्कशीट ऑफ 10th 8th, यहाँ पे आधार कार्ड हम डाल सकते हैं, तो मैं चलिए यहाँ पे आधार कार्ड डाल देता हूँ राइट, और अभी एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलेगा, एड्रेस प्रूफ में सेलेक्ट द रेजिडेंस प्रूफ टाइप, तो यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन, चलिए ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक करंट पासबुक, बैंक की पासबुक हम यहाँ पे डाल देते हैं, आपको अभी अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और कंप्यूटर से यहाँ पे भी आपने पासबुक रखी है वो वहाँ पे सिलेक्ट करें और आपकी ये पासबुक यहाँ पे अपलोड हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो है फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये देखिए लोडिंग हो रहा है वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी एप्लीकेशन है ये अभी सबमिट होने जा रही है ठीक है ना, और जैसे ये सबमिट हो जाती है तो आपको यहाँ पे मैसेज आता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP, योर फॉर्म रेफरेंस ID इज दिस एंड योर ट्रैक स्टेटस इज ऑन ट्रैक स्टेटस। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप वो ये है कि ये जो रेफरेंस आईडी है, ये वाला रेफरेंस आईडी आपको अभी क्या करना है, इस रेफरेंस आईडी को लिख के ले जाएं जो भी आपका नियरेस्ट इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे आपका तहसील है यहाँ पे भी वहाँ पे तहसीलदार बैठता है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस बना होता है, वहाँ पे जो भी क्लर्क होता है उसको आप ये नंबर दिखाएं कि ये मेरा नंबर है, मैंने ऑनलाइन जो है वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद वो इस नंबर से आपका वोटर आईडी जो है वो
वहाँ पे शॉर्ट आउट करके आपके होम एड्रेस के ऊपर भेज देगा, नहीं तो आपको फिजिकली दे देगा। तो ये था फ्रेंड फुल प्रोसीजर कि आप जो है ऑनलाइन अपने घर से वोटर आईडी जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैकिंग स्टेटस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपने देखा कि ऑनलाइन आप अपने घर से ही या मोबाइल से या कंप्यूटर से वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और कैसे आपको जो है प्रोसेस करना है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। हमारी टीम जो है 24/7 आपके रिप्लाई के लिए रेडी रहती है। और अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और जैसे कि ये वीडियो जो है जनहित में जारी है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें। अगर हर वो आदमी जिसको जो है नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है या उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, वो कहीं भी जो है सुविधा सेंटरों में लाइन ना लगाए और अपने घर से अपने मोबाइल से इस काम को जो है वो अंजाम दे सके। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर गुरुजी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो दैट हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने ऑलरेडी कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, हैव ए गुड डे।